हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए दो मैं बहुत ही बड़े लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। पहला अपडेट आपके DA DR पर है, दूसरा जो है आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 महीने का DA एरियर अभी तक आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है। हालांकि अब जो है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मार्च महीने की सैलरी और पेंशन आ चुकी होगी। नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि किस किस की नहीं आई है। वैसे तो मोस्टली सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में कल के दिन में जो है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन का डिस्बर्समेंट कर दिया गया है। लेकिन अभी जो है जो बड़ा हुआ महंगाई भत्ता है, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 3% महंगाई भत्ते को बढ़ा करके 34% महंगाई भत्ता अब दे दिया जा रहा है आपको, वो अभी शायद प्रोवाइड नहीं किया गया। क्योंकि जो है 15 तारीख से आप 20 तारीख के बाद से मोस्टली कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज है उसमें जो है पेंशन और जो सैलरी बन जाती है। तो शायद अब इस महीने में यानी अप्रैल महीने की सैलरी या पेंशन या उससे पहले ही बहुत सारे मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट हैं जो डिस्बर्समेंट कर देंगे तो 3%। लेकिन अब जो है 18 महीने के DA एरियाज पर बड़ी खबर ये आ रही है कि वो और मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है 18 महीने का DA एरियाज आपको प्रोवाइड करा सकती है। ये सब मीडिया में ही खबरी, अभी कुछ भी ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जब तक ऑफिशियल नहीं आए जब तक आप ये मान के चलिए कि आपको अभी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। हालांकि जो यूनियंस और फेडरेशन से अपने लेवल पर सरकार से कंटिन्यू इसके रिगार्डिंग बात कर रही हैं, आगे आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि आपको जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में जो यूनियंस और फेडरेशन है और साथ ही साथ DOPT के अधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जो अधिकारी हैं उनके साथ में एक मीटिंग देखने को मिले। अगर कुछ उसमें अच्छा निकल कर आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, जो भी अपडेट हो वो को जरूर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं आठवें वेतन आयोग की। मीडिया में अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है आठवें वेतन आयोग पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें अलग अलग फॉर्मूलों पर विचार चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अभी जो आठवें वेतन आयोग में आने में बहुत ज़्यादा समय है और आठवें वेतन आयोग को अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आने बाकी हैं। अभी सातवें वेतन आयोग में ही बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, तो आठवें वेतन आयोग में बहुत सारी चीज़ें अभी हैं लेकिन इसमें आगे आने वाले दिनों में बात करनी होगी। अभी इसमें सातवें वेतन आयोग में ही बहुत सारी चीज़ें अभी कर्मचारी और पेंशनर जो है सरकार से इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको सही से लागू किया जाए। तो अभी दो अपडेट थी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।